हम ये कह रहे थे कि इसको कैसे चलाना है। तो पहले तो हम ये वाला एल्गोरिथम समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम दूसरे किसी एल्गोरिथम पे जाते हैं। देखें इसका काम क्या है, ये बेसिकली आई ले रहा है, ठीक है, ए ले रहा है और आई ले रहा है। आई यानी आई का मतलब यह है कि किस लेवल से आपने हीप को मेंटेन करना है। आई का मतलब यह है, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम आप देख रहे थे ना, यानी मिसाल के तौर पे यह है, तो ये वाला अगर आपने 14 पे, आई का मतलब 14 से अगर देखना है तो इसका मतलब है आईडी नंबर 2 से आपने हीप को मेंटेन करना है। अच्छा जी, ठीक है। तो ये जो आई है बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है, आई इंडिकेट कर रहा है किस लेवल से आपने हीप को करना है मेंटेन। अच्छा, अब इसने क्या किया कि मिसाल के तौर पे आपने कहा कि एक स्पेसिफिक लेवल से हमें मेंटेनिंग करनी है, तो उस लेवल पे जो उसका जो लेफ्ट है उसकी आईडी, ठीक है, वो एल में रखती, और उसकी राइट की आईडी जो है वो बेसिकली राइट में रखती। अब मिसाल में देने के लिए उसको यहाँ से इस वाले ट्री को उठाता हूँ और उसको वहां पे कॉपी करता हूँ। ये हमारे पास बेसिकली ट्री है, मिसाल ले लो, और इसको हम देखते हैं। इसमें आई जो है इस वक्त 2 है, राइट। आई जो है हमारे पास 2 है, जो डेटा हमने भेजा है वो बेसिकली ए कॉमा आई के नाम से भेजा है। ए कॉमा आई का मतलब है ए एरे भेजा है, और हमने कहा है कि आई इज इक्वल टू 2 पे मेंटेनिंग हमें देखनी है कि ये हीप है या नहीं, क्योंकि ये पेरेंट छोटा नजर आ रहा है। ठीक है, होगा क्या अब यहाँ से हमें समझ में ये आएगा कि जो हमारे पास लेफ्ट ऑफ आई है, लेफ्ट ऑफ आई का फॉर्मूला हमने लगाया हुआ है, अगर इसकी कोड मेंटेनेंस कर रहे होगे तो कोड की मेंटेनिंग के अंदर जो है वो बेसिकली आपको यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा होगा 2K, यानी 2i। 2i का मतलब क्या हुआ कि जो लोकेशन आपके पास है उसको आई से 2 से मल्टीप्लाई करो तो लेफ्ट में चला जाएगा, तो 2 × 4, 4 जो है वो एल में आ गया। तो इसका मतलब है एल में आपके पास इस वक्त 4 रखा हुआ होगा। 4 का मतलब है डेटा नहीं है, ये इंडेक्स है। ये जो 4 है ये बेसिकली इंडेक्स है। इस इंडेक्स पे जो है वो, क्योंकि हम तो एरे के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो इस इंडेक्स पे 14 रखा हुआ है अभी, ठीक। और इसके राइट यानी आर है, तो आर को बेसिकली आपने राइट ऑफ आई का फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है, 2i+1 है, 2i+1। तो इसका मतलब है राइट में आपके पास इंडेक्स नंबर 5 आ जाएगी, इनके दोनों के हमने लेफ्ट और राइट होंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमें अब ये 3 चीजें चेक करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये पता है कि ये बेसिकली जो हमारे पास डेटा है यहाँ से हमें हीप को मेंटेन करना है। समटाइम होता है कि हमें जब हीप को मेंटेन करना है तो ये भी चेक करें कि ये वाकई ऑलरेडी हीप तो नहीं बना हुआ, ऑलरेडी है तो फिर हमें क्या जरूरत है इसको मेंटेन करने। तो पहले ये चेक करना है कि अगर ये हीप नहीं है, यानी हीप वायलेशन में है, तो फिर इसके चाइल्ड में से किस नोड को पेरेंट बनाना है, क्योंकि ये भी नहीं पता कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा होगा ये वाला बड़ा होगा। तो इस दो चीजों को हमें यहाँ पे जो है वो चेक करना है, ठीक। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो इन्होंने पहले ये काम किया। अब ये कहता है कि अगर लेफ्ट चाइल्ड जो है, जो लेफ्ट वाला नोड है वो ए डॉट हीप साइज से छोटा हो, यानी इसके नीचे जो है वो कुछ नोड्स एग्जिस्ट करते हो, ठीक है, यानी अभी हीप कंप्लीट ना नहीं हुआ हो, इसकी मैं अभी डिटेल आगे भी बताऊंगा। तो अभी इसको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ए डॉट हीप साइज, तो इसको आगे डिस्कस किया जाएगा। एंड जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला पार्ट है इस जगह पे। एंड क्या लिखा हुआ है, ए एल। अब देखिए ये डेटा को एक्सेस कर रहा है, ए एल यानी ए ऑफ 4 लोकेशन का डेटा। अगर ए ऑफ आई, आई वो नोड है जिसको हीप कह रहे हैं, पेरेंट कह रहे हैं, ए ऑफ आई का मतलब है 4 लोकेशन। तो ए ऑफ 2 लोकेशन के डेटा से, ठीक है, ए ऑफ 4 लोकेशन का डेटा। अब ए ऑफ 4 पे क्या रखा हुआ है, 14, और ए ऑफ 2 पे क्या रखा हुआ है, 4। समझ में आ गई बात।
ये डेटा की बात हो रही है, ए ऑफ फोर लोकेशन का, ए ऑफ फोर लोकेशन का डेटा यानी 14 अगर बड़ा है 4 से तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये ट्रू है फॉल्स है, ट्रू है वो नीचे आ जाएगा और कहेगा कि जो एल के अंदर इंडेक्स है वो लार्जेस्ट में दे दो, यानी अब ये लार्जेस्ट है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम आई में रखे हुए इंडेक्स को लार्जेस्ट को दे दो। तो अभी हमने किसको कंपेयर किया, इस वाली इफ वाले इफ में किसको कंपेयर किया हमने, ये जो इफ यहाँ से चल के यहाँ एल्स तक गया है इसमें हमने सिर्फ इन दोनों को चेक किया है, ये दोनों चेक हो, यानी नोड चेक हो रहा है और इसका लेफ्ट चेक हो रहा है, ठीक है, और इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उसकी वैल्यू यानी उसका इंडेक्स, वैल्यू से मुराद है उसका इंडेक्स जो है वो लार्जेस्ट में चला जाएगा। अगर तो लेफ्ट नोड की वैल्यू बड़ी है तो वो बेसिकली लार्जेस्ट में चली जाएगी, और अगर जो करंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू बड़ी होती तो वो लार्जेस्ट में चली जाती, आई लार्ज। इस वक्त हमारे पास लेफ्ट वाले के नोड की लेंथ यानी वेट ज्यादा है तो वो बेसिकली लार्जेस्ट में चला गया, ठीक है, बात समझ आ गई। तो इस वक्त हमारे पास लार्जेस्ट में यानी अगर देखा जाए तो जो लार्जेस्ट का वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर इस वक्त हमारे पास होगा नोड 14 का नंबर 4, ठीक हो गया। अब आगे क्या चेक करेगा, आगे चेक ये करना है कि जो लार्जेस्ट में इन दोनों में से जो चीज बाहर निकली लार्जेस्ट और ये वाला नोड राइट, इनमें कौन सा बड़ा है। तो इसके लिए इसने कहा देखें राइट जो आपने कहा था 5 नंबर नोड, अगर 5 नंबर नोड ए डॉट हीप साइज से छोटा है यानी अभी हीप बनने के काबिल है, यानी हीपिफाई होना है अगर, तो ये तो अभी हम आगे भी समझेंगे, इसको मैं बार बार नोट करवा रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात चेक करनी वो यहाँ पे कि R में रखा हुआ डेटा यानी 5 में रखा हुआ डेटा 7 क्या लार्जेस्ट पे रखे हुए डेटा से बड़ा है, लार्जेस्ट में 4 है यानी 14 से बड़ा है तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगर नहीं ऐसा नहीं है फॉल्स हो गया, तो कह रहे अगर फॉल्स हो गया तो आपने जो है वो ये नहीं करना, बात समझ आ रही है, फिर आपने जो है वो ये वाला काम नहीं करेंगे क्योंकि ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब है कि लार्जेस्ट में स्टिल 4 ही रखा हुआ है, इंडेक्स नंबर 4 रखा हुआ। फिर आप नीचे गए, इसने क्या कहा कि अब आपको जब यहाँ से जो लार्जेस्ट था और इसके दरमियान कंपैरिजन से ये पता चल गया कि लार्जेस्ट जो है वो आपके पास, यानी अब जो जब यहाँ से बाहर निकलेंगे 607 करके बाहर निकलेंगे तो लार्जेस्ट में इन तीनों के दरमियान कंपैरिजन हो जाएगा कि किसके अंदर जो है वो लार्जेस्ट डेटा है, किस इंडेक्स में लार्जेस्ट डेटा इन तीन, यानी आप अगर देखें तो इस 3 से लेकर 7 तक का स्टेप में ये काम हुआ कि पहले इन दोनों को कंपेयर किया, इनमें से लार्जेस्ट को बाहर निकाला, जो लार्जेस्ट आया तो इस वाले नोड से कंपेयर किया राइट वाले से और उसमें से लार्जेस्ट को बाहर निकाला। अब ये तय हो गया कि इन तीनों में से लार्जेस्ट कौन सा। अब ये पॉसिबल है, देखें ये भी हो सकता था कि यहाँ पे 16 होता, मिसाल दे रहा हूँ एक रेंडमली मिसाल है, यहाँ 10 होता और यहाँ पे 3 होता, तो जब लार्जेस्ट बाहर आता तो वही आता जो कि पेरेंट नोड है, यानी लार्जेस्ट अगर ये नोड नंबर 5 था मिसाल के तौर पर किसी पर, तो लार्जेस्ट में आपके पास नोड नंबर 5 ही आ रहा होता, ठीक है। अभी जो लार्जेस्ट में जो चीज बाहर आएगी हमें नहीं पता कि वो बेसिकली वो खुद पेरेंट नोड है या कोई चाइल्ड नोड है। तो इसने देखिए क्या कहा है, इसने कहा है कि अगर लार्जेस्ट पेरेंट नोड के इक्वलेंट नहीं है, तो अगर लार्जेस्ट पेरेंट नोड के इक्वलेंट है तो फिर स्वैपिंग वगैरह नहीं करनी, लेकिन कह रहे हैं अगर लार्जेस्ट पेरेंट नोड के इक्वलेंट नहीं है अगर, तो फिर क्या करना होगा कि जो लार्जेस्ट नोड होगा उसको पेरेंट नोड से स्वैपिंग करा देंगे आप। यानी अगर एरे में भी देखें, यहाँ पे भी देखें और एरे में भी देखें कि जो लार्जेस्ट का नोड होगा ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये दोनों, अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट आई के बराबर नहीं है क्योंकि आई जो है वो 2 है और लार्जेस्ट में 4 रखा हुआ है, ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमें इनके डेटा को आपस में, इनके डेटा को आपस में स्वैपिंग करानी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 नीचे आ जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा 14 ऊपर चला जाएगा और ये वाली सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। 4 14 अपनी जगह पे आ गया और 4 यहाँ। अब ये अमल रुकेगा नहीं क्योंकि इस वक्त तक चलता रहेगा जब तक के ए डॉट हीप साइज रुक ना जाए, तो ये अगली दफा भी चलाने की कोशिश करेगा और इसको फिर सॉर्ट करने की कोशिश करेगा ए डॉट। अब आपके पास आई जो है बेसिकली वो लोकेशन नंबर 4 इत्तेफाक, अब लोकेशन नंबर 4 पे डेटा नंबर 4 आ गया, कंफ्यूजन रहेगी। अब फिर इसको मजीद हीपिफाई करेगा क्योंकि देखें अभी भी हमें तो नजर आ रहा है, कंप्यूटर पर नजर नहीं आ रहा था, वो उस वक्त तक करता रहेगा जब तक कि लीफ नोड से नीचे की तरफ न जाने की कोशिश करे। तो अभी अगर करेगा तो ये 8 को ऊपर लेके आएगा, राइट वाले को ऊपर लेके आएगा, कैसे आएगा ऊपर लेके, इसको भी हम एक्शन में लेके आते हैं।
सारा काम करने के बाद, सारे काम को करने के बाद देखें दोबारा से क्या कॉल किया इसने यहाँ पे, क्योंकि रिकर्सिव कॉल है नहीं, तो अपने आप को दोबारा से कॉल कर लिया इसने, ठीक है, ताकि अगले वाले के लिए भी दोबारा से मैक्स हीपीफाई दोबारा कॉल हो गया, रिकर्सिव कॉल अगर ये, तो अब जब दोबारा कॉल होगा तो ए जो एरे है वो भेजा और हमने अब लार्जेस्ट भेजा, लार्जेस्ट में आपको याद होगा इंडेक्स नंबर 4 था, जब ये रिसीव होगा यहाँ पे तो वो आई में रिसीव होगा, लार्जेस्ट जा रहा है 4, यहाँ से पैरामीटर के तौर पे 4 भेजा गया है, लेकिन रिसीविंग जो है वो आई में हो रहा है, उसके बाद सारा काम वही है, सारा काम वही है का मतलब क्या हुआ कि अब आप लेफ्ट ऑफ आई को एल में देंगे, यानी अब इस 4 का लेफ्ट यानी 8 नंबर इंडेक्स एल को दे देंगे, अब एल में जो है वो 8 आ जाएगा, ठीक हो गया, उसके बाद इसके राइट में जो है वो 9 आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, और उसके बाद ये चेकिंग शुरू होगी कि एल जो है वो ए डॉट हीप साइज से छोटा है या नहीं है, ठीक है, अभी हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं ये बात, जब ग्लोबली हम ए डॉट, क्योंकि आप बोलेंगे ए डॉट हीप साइज हम यहाँ कहीं ले तो रहे नहीं है, ये जब ग्लोबली कॉल होगा तो फिर मैं उस वक्त समझा सकूंगा, तो अभी सिर्फ हम इसकी बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए ऑफ एल, यानी 8वें लोकेशन पे क्या है 2 है, और करंट आई, आई जो लार्जेस्ट से रिसीव हुआ था आई के अंदर इस वक्त 4 है, तो चौथी लोकेशन पे क्या रखा हुआ, चौथी लोकेशन पे 4 रखा हुआ है, ठीक है, क्या 2 4 से बड़ा है, वो कहेगा नहीं ये फॉल्स हो गया, अगर ये दोनों चीजें फॉल्स हो गई तो आई की वैल्यू जो है वो लार्जेस्ट में चली जाएगी, तो आई में क्या रखा हुआ था, आई में रखा हुआ था आपके पास 4, यानी इंडेक्स नंबर 4, तो लार्जेस्ट के अंदर जो है वो बेसिकली अब 4 आ जाएगी, ठीक है, लार्जेस्ट में 4 आ जाएगी, अब ये लार्जेस्ट इसकी एल्स की वजह से लार्जेस्ट को 4, यानी इन दोनों में कंपैरिजन हो गया, इन दोनों में कंपैरिजन हो गया और हमें बड़ी वैल्यू नोट की ही मिल गई, उसके बाद आगे क्या राइट वाले को चेक करने, अब राइट में जो है ये वाली बात छोड़ दो, इसको आ जाओ कि राइट का डेटा कितना है, राइट का डेटा 8 है, क्या वो लार्जेस्ट में रखे हुए डेटा से बड़ा है, तो लार्जेस्ट में क्या रखा हुआ है, लार्जेस्ट का इंडेक्स 4 है और डेटा भी इत्तेफाकी 4 है, इसका मतलब ये बात ट्रू हो गई कि 8 जो है वो 4 से बड़ा है, अगर ट्रू हो गई तो आर का इंडेक्स लार्जेस्ट में इंटर कर दिया, तो अब आर का इंडेक्स क्या है, आर का इंडेक्स जो है बेसिकली आर का इंडेक्स जो है वो 9 है, ठीक है, तो 9 जो है वो लार्जेस्ट में चला जाएगा, तो लार्जेस्ट इंस्टेंट ऑफ 4 9 हो जाएगा, ये तो लार्जेस्ट, और जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो चेक करेगा कि लार्जेस्ट आई के बराबर है, वो कहकर नहीं बराबर नहीं है, तो इनकी स्वैपिंग करेगा, स्वैपिंग से मुराद है ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे, और स्वैप होने के बाद जो रिजल्ट नजर आएगा वो गालिबन इस तरह का होगा कि एक अगली ट्री जो है मैंने यहाँ कॉपी नहीं की, वो ये वाली ट्री आ जाएगी कि 8 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, और इस तरह उस वक्त तक होता रहेगा जब तक कि आपके पास सारे डेटा कंप्लीट ना हो, तो ये बेसिकली अगर आप टॉप से चेक करते तो टॉप से चेक कर लेता, आप जहां से बोलेंगे वहां से पूरा ये बेसिकली हीप को हीपीफाई करना शुरू कर देगा, ये हीपीफाई का अमल जो है, ये जो हीपीफाई का अमल है ये बेसिकली बिल्ड हीप के अंदर भी काम आए, तो ये बेसिकली बासी सर अगर लेफ्ट पे 15 होता, मैंने मिटा दिया, चलो लेफ्ट पे 15 होता फिर दोबारा से ऊपर के लिए करना पड़ता, हाँ बिल्कुल, अगर लेफ्ट पे 15 होता तो हमें दोबारा से 15 नहीं, अगर ये वाला 14 की जगह अगर 18 होता, और सुनो अगर ये 14 की जगह 18 होता 4 लोकेशन पे, ठीक है, तो जब ये दोनों स्वैप होते तो यहाँ 18 आता तो फिर ये अगले 16 के लिए भी सॉल्व होता, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, और तुम सही कह रहे हो कि यहाँ पे अगर ये 15 होता, ये जब ऊपर जाता ऊपर चला गया तो फिर ये 14 के लिए भी सॉल्व होता, बिल्कुल ऐसा ही, जब तक कि ये हिपिफाई नहीं सॉल्व होता रहेगा। सर एक क्वेश्चन है, ये कि ये जो ट्री बन रहा है ये अनसॉर्टेड ऑर्डर में बन रहा है, ट्री जो बन रहा है ये अनसॉर्टेड ऑर्डर, बिल्कुल ऐसा ही है, ये सॉर्टेड नहीं है, अभी तो हम सिर्फ हीपीफाई कर रहे हैं, ये हम हीप स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी, हम अभी हमने हीप सॉर्टिंग नहीं अप्लाई, ठीक है सर, इसकी पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब डेटा किस तरह से आएगा इसका, गिवन किस तरह से होगा डेटा, आपको एक देखें क्वेश्चन तो ये होगा कि आपको एक अनसॉर्टेड डेटा दिया हुआ होगा, रैंडम डेटा, अनसॉर्टेड रैंडम डेटा, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक डेटा है एरे के फॉर्मेट में दिया होगा सर, डेटा जो दिया हुआ होगा, जी जी जी, मतलब एग्जाम में तो किसी भी तरीके से होता है, एग्जाम की बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर एरे फॉर्मेट में होता है, जो मैं दिखाया था ना मैंने ये वाला,
ये तो ट्री जो बन रही है तो मेरे आपकी अंडरस्टैंडिंग है, एक्चुअल में ये वाला दरअसल यूआई के शुरू में ना ज़ूम चल नहीं रहा था मेरा। अच्छा अच्छा, तो मैंने लेट ज्वाइन किया है। जी जी जी, ये स्लाइड शायद आपने मिस की जब मैं बता रहा था कि ये जो ट्री स्ट्रक्चर है ये मैंने इस पे काफी देर उसमें की एक एक लिंक्लिस्ट मेथड होता है, एक सिक्वेंशियल एरे मेथड होता है। तो अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो सिक्वेंशियल मेथड ज्यादा बेहतर होता है। तो ये जो हमारे पास हीप स्ट्रक्चर है ना जो ट्री में नजर आ रहा है, ये मेरे और आपके समझने के लिए, कंप्यूटर इस तरह तो लेता ही नहीं ना, कंप्यूटर में जब जाएगा तो वो इस फॉर्मेट में जाएगा। ये बेसिकली हीप स्ट्रक्चर में है कि 16 पेरेंट नोड है और इसका लेफ्ट और राइट जो है वो 2 और 3 पे मौजूद है। 14 पेरेंट नोड है, इसका लेफ्ट राइट 4 और 5 पे मौजूद है। 10 पेरेंट नोड है, इसका लेफ्ट राइट यहाँ मौजूद है, ये रेखा। लेकिन आपको ये भी नहीं दिया जाएगा, एक्चुअल में जो दिया जाता है वो रेंडम दिया जाता है, वो हीप स्ट्रक्चर नहीं होता। होता तो एरे में ही है लेकिन हीप स्ट्रक्चर नहीं होता, वो होता है 6, 3 ठीक है 5, 9। अब इसमें कोई हीप स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा, 13 कौन कौन पेरेंट है कौन नहीं है ये। अब आपसे कहेगा कि इसको हीप सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करें। अब आपसे जब ये कह रहा है कि इसको हीप सॉर्ट के थ्रू सॉर्ट करें तो आपके स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप ये है कि आप इसकी हीप बनाएंगे, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब हीप बन जाएगा तो फिर हम, यानी हीप स्ट्रक्चर बन जाएगा तो फिर हम सॉर्टिंग की तरफ जाएंगे। अभी तो हमने हीप सॉर्ट को डिस्कस भी नहीं किया, अभी हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जो है वो हीप जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या मेहनत करनी। तो मैंने यहाँ पे एक स्लाइड शो की थी, ये वाली स्लाइड है कि अगर आपको हीप सॉर्ट करना है तो आपको उससे पहले दो काम करने होंगे, जिसमें से एक मैक्स हीपीफाई जो अभी मैंने सिखाया आपको, और एक बिल्ड मैक्स हीप है। तो ये बिल्ड मैक्स हीप है, इसमें इसके अंदर भी मैक्स हीपीफाई कॉल होगा। तो इसलिए ये जो बिल्ड मैक्स हीप है इसको भी पढ़ाने से पहले मैंने इसको समझा दिया आपको कि कैसे काम करना है। अब जब इस पे आऊंगा तो फिर मैं इसकी जो जो चार लाइनें होंगे समझा के ये वाली बात जो है वो कर ली जाएगी। फिर नहीं समझ में आएगा तो बात करेंगे, ठीक है? तो ये एरे की फॉर्मेट में डेफिनेटली, जरूरी नहीं कि सवाल एग्जाम में पूरा आ जाए हीप सॉर्ट कर लो। एग्जाम में सवाल डिफरेंट तरीके से आता है कि बिल्ड हीप कर लो, हीपीफाई बता दो, हीप सॉर्ट का ये वाला पार्ट कर लो। इसलिए एग्जाम के हवाले से तो हमें समझना है, साथ बाद में ये भी समझना है कि हमें हो सकता है कि मैं ट्री में ही दे दूँ सवाल, हो सकता है कि मैं एरे में दे दूँ सवाल। हमें दोनों तरीकों से हैंडल होना चाहिए, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर ये इस डायग्राम में नहीं जाता, कंप्यूटर हमेशा इसको स्टोर करता है किस फॉर्मेट के अंदर, सिक्वेंशियल एरे की फॉर्मेट में। तो जब हम क्यू स्टैक करता है मेमोरी, जो क्यू स्टैक होता है, नहीं सिक्वेंशियल एरे फॉर्मेट, ओके ठीक है। और जब हम इसको सॉर्ट करेंगे ना तो सॉर्टिंग में डेटा भी एरे में लेंगे और सॉर्ट भी, जैसे बबल सॉर्ट में किया था, मर्ज सॉर्ट में किया था, क्विक सॉर्ट में किया था, डेटा भी एरे में लिया था और हमने सॉर्टिंग का रिजल्ट भी एरे में स्टोर कर दिया था। इसमें भी ऐसे करेंगे, डेटा भी एरे में लेंगे और रिजल्ट भी एरे में ही रखेंगे। वो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हाई लेवल की होती है, एरे में डेटा लिया, एरे में सॉर्ट कर दिया, ठीक है। और उसको समझाने के लिए बीच में ये इंटरफेस लाया जाता है, जो ट्री डायग्राम वाले इंटरफेस, ताकि मेरे और आपको समझ में आए कि बात क्या होगी। जी सर, जब हम इंसर्ट करते हैं आई को तो हमेशा लेफ्ट से करना पड़ता है, तभी हम सेंटर से या ऊपर से तो नहीं करेंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये जो डायग्राम नंबर सी है, सी नजर आ रही है, डायग्राम नंबर सी एबीसी लास्ट वाली, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसमें एक नोड मुझे इंसर्ट करना है। अब आप इस वक्त ये नहीं सोचेंगे, अब मैं कहता हूँ एक नोड इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू जो है वो बेसिकली 13 है। समझ में आती बात है? इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 13 है। अब ये 13 कहाँ जाएगा, ये इसकी चॉइस, मतलब इसके इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इसको लास्ट नोड पे लगा देंगे। इंसर्शन इसकी इस तरह होती है, ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा जाता है कि हीप के अंदर इंसर्शन कैसे, क्योंकि अभी हम इंसर्शन तो पढ़ेंगे नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैसे होगा, एल्गोरिथम नहीं पढ़ेंगे। 13 को हम इसके लेफ्ट पे लगा देंगे, 7 के लेफ्ट पे, ये बात समझ आ रही, सॉरी राइट पे, क्योंकि इस वक्त यही जगह खाली है और क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है कि हम लेफ्ट साइड से इंसर्ट। सर सिचुएशन में आई का इंडेक्स क्या होगा? अभी आई नहीं बना, अभी आई नहीं बना, बता रहा हूँ मैं, अभी आई नहीं बना। अभी हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो है वो 13 इंसर्ट हो गया। हाँ, अब हम बात करेंगे कि क्योंकि 13 इंसर्ट हुआ है, हमें नहीं पता कि ये हीपीफाई हुआ या नहीं, यानी ये हीप की प्रॉपर्टी को मेंटेन रखता है या नहीं रखता। तो हम कहेंगे कि इस वक्त ये आई जो है वो 5 हो गया। बिल्कुल सही है, सही कह रहे हो, ठीक, समझ में आ रही बात है, ठीक है। जब ये 13 को अपने एप्रोप्रिएट जगह पे लेके आएगा यहाँ पर, और 7 को जब नीचे लेके जाएगा, तो फिर ये उसके बाद आई जो है ये वाला 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको अपने ऊपर वाले से भी चेक करना होगा।
चेक तो करेगा ना, पहले भले वो सही हो गलत हो चेक करेगा, और अगर ये सही जगह पे बैठा हुआ है, अपनी सही जगह पे है, तो फिर ये आगे की तरफ मूव नहीं करेगा। तो ये समटाइम बॉटम ऑफ जो है वो पैटर्न भी कहलाता है, कि हम बॉटम ऑफ पैटर्न इंसर्शन जो है इसका, जब हम इंसर्शन करते हैं तो वो बॉटम ऑफ पैटर्न के तहत काम कर रहा होगा, समझ आई बात है। और अगर हम डिलीशन करेंगे इसके अंदर, तो वो बेसिकली अगर डिलीशन की बात की जाए तो डिलीशन हमेशा टॉप से किया जाता है, डिलीशन जब हम करेंगे तो वो टॉप डाउन अप्रोच में चला जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो कन्फ्यूजन है तो बताओ, सही आगे बढ़े। और अगर सर सर्चिंग कर रहे होंगे तो किस तरह से होगा, टॉप टू बॉटम? इसमें सर्चिंग की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि हीप सर्चिंग के लिए होता ही नहीं है। अगर आपने सर्च के लिए काम करना है तो बाइनरी ट्री को बाइनरी सर्च ट्री बनाना पड़ता है, मतलब इसका मकसद ही नहीं है सर्च करें। वी आर नॉट बेसिकली यूज हीप स्ट्रक्चर फॉर सर्चिंग, हम हीप स्ट्रक्चर को सर्चिंग के लिए इस्तेमाल ही नहीं करते। इंसर्शन कर सकते हैं, डिलीशन। अच्छा, अब अगर आपने सर्च करना भी है, बाद मिसाल है, तो एक बात अपनी स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर की बातें, मतलब क्योंकि हम उसकी एक स्टेप आगे जा रहे हैं, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए एटलीस्ट कि जब भी आप बाइनरी ट्री में सर्चिंग करते हैं, बाइनरी ट्री में, तो एक लेस कॉम्प्लेक्सिटी का एल्गोरिथम है जिसके थ्रू हम सर्चिंग करते हैं, और वो कहलाता है प्री ऑर्डर सर्चिंग, पोस्ट ऑर्डर सर्चिंग। ठीक है, ये दो ऐसे पैटर्न है जिससे हम किसी भी ट्री के अंदर, ट्री यानी बाइनरी ट्री के अंदर, मैं सारी ट्री की बात नहीं कर रहा, बाइनरी ट्री की बात कर रहा, अगर वो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, जैसे हीप हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, या कोई और दूसरे रेड एंड ब्लैक ट्री हो गया, इस तरह की कोई ट्री अगर आपके पास मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई डेटा सर्च करें, तो सर्च करने के लिए इसके अंदर ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ट्रैवर्स समझ गए मेरी बात, कि मैं टॉप से शुरू करके कहाँ जाऊँ, पहले लेफ्ट पे जाऊँ या राइट पे जाऊँ, यानी मैं ट्रैवर्सिंग करूँ तो यहाँ से लेफ्ट पे मूव करूँ या यहाँ से राइट पे मूव करूँ, यहाँ जाके यहाँ जाऊँ फिर यहाँ जाऊँ, तो इसको हमें टाइम सेव करना होता है। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू सर्च एनीथिंग, तो हमें ट्रैवर्स करना पड़ता है। तो ट्रैवर्सिंग का जो मैकेनिज्म बाइनरी ट्री के अंदर, जो कि कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसमें जो इस्तेमाल होता है वो प्री ऑर्डर मैकेनिज्म है, प्री ऑर्डर सर्चिंग या पोस्ट ऑर्डर सर्चिंग। बात समझ आ रही है, ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ाया जाता है, प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर। और अगर ये ट्री बाइनरी नहीं होती, कोई ऐसी ट्री होती जिसमें पॉसिबल तीन नोड भी हो सकते हैं एक नोड के, या चार नोड भी हो सकते हैं एक नोड के, और किसी के जो है वो पांच नोड भी हो सकते हैं, तो फिर हम प्री ऑर्डर को प्रिफेयर नहीं करते, फिर हम इसमें डेप्थ फर्स्ट सर्च और ब्रेथ फर्स्ट सर्च को प्रिफेयर करते हैं, जो कि हमारा अगला टॉपिक है ग्राफ एल्गोरिथम में। इसके बाद जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे वो हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च, ये वाली बात जो प्री ऑर्डर है ना, ये डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ा दी जाती है। समटाइम कुछ लोग ब्रेथ फर्स्ट सर्च भी पढ़ा देते हैं, हम लोग मतलब अगर पढ़ा रहे हो सही पेस को, क्लासे मिस नहीं हो रही हो, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। समझ में आई, तो ये सिचुएशन है, थोड़े से ये इसकी बैकग्राउंड हमारी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा खैर, आगे बढ़े। सर ये सिचुएशन डिलीट और अपडेट के लिए भी हो रहा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर कोई डेटा हो, लेकिन हीप जो है वो ज्यादातर हीप सॉर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, जो मोस्ट पॉपुलर काम है इसका, मोस्ट हम इसमें इंसर्शन डिलीशन कर सकते हैं, अभी हम करेंगे डिलीशन इसके अंदर, सॉर्टिंग के अंदर डिलीशन ही की जाती है। तो अगर कोई पूछेगा कि हीप का, तो हीप के बहुत सारे काम है जिसमें से दो मोस्ट पॉपुलर काम है, जैसे कहते हैं ना जब इंटरव्यू होता है तो लोग पूछते हैं भाई हीप बनाते हो, हीप स्ट्रक्चर क्यों यूज करते हो, ठीक, हीप स्ट्रक्चर आपका स्पेस कैसे सेव करता है, हीप स्ट्रक्चर को इतनी पॉपुलरिटी क्यों हासिल है, तो इस तरह के सवाल जो है इंटरव्यूज में हम लोग अपने बीएस के स्टूडेंट से करते हैं। तो सर एक और क्वेश्चन आ रहा जहन में, कि अगर फॉर एग्जांपल ये ट्री गिवन है हमें और इसमें से कोई एक नोड हमें, फॉर इंस्टेंस 10 इंडेक्स वाली नोड जो है, 10 नोड जो है वो डिलीट करनी है, ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए, जी जी 10 जो नोड है हमारी जो ऊपर लिखा हुआ सर्कल के, 10 नोड सही है, ठीक है चलिए 3 नोड है। अब इसमें हमें सर्च करना पड़ेगा ना डिलीट करने के लिए, एग्जैक्ट एलिमेंट तक जाना पड़ेगा, उसके बाद उसको डिलीट करना पड़ेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही सर्चिंग की मुराद है कि हमें पहले उसको इंप्लीमेंट हो ही रही है मतलब या नहीं हो रही। सर्चिंग का मतलब यह है कि हमें अगर उसको ढूंढना है कि हम उसको देंगे कि मिसाल के तौर पर i=3 को डिलीट कर दो, i=3 यानी नोड नंबर 3 को डिलीट कर दो, या इंडेक्सिंग से डिलीट होगी ना सर, इंडेक्सिंग से डिलीट होगी या
बिल्कुल डेटा से नहीं कर रहा मैं सही है ना, आप दो क्वेश्चन होते हैं, आप इंडेक्सिंग से डिलीट करना चाहते हैं या डेटा से, ये सवाल है। यानी डेटा दें तो डिलीट करा जाए या इंडेक्स दें तो डिलीट किया जाए, ये सवाल। आई थिंक सर्चिंग वाला क्राइटेरिया जो है वो डेटा से आएगा। जी अगर आप सर्च करेंगे तो वो डेटा से होगा, ठीक है। और इसमें एक कंफ्यूजन ये होती है कि मिसाल के तौर पर किसी वजह से ये भी जो है वो टू है, मिसाल के तौर पर हो सकता है ना पॉसिबल ये भी टू है, ठीक है। और आपने सर्च इसमें जो ट्रेवर्स करना शुरू किया वो यहाँ से शुरू किया तो आपको पहले ये वाला टू मिल जाएगा, तो ये बच जाएगा और ये टू डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने ट्रेवर्स यहाँ से करना शुरू किया तो ये डिलीट हो जाएगा, ये बच जाएगा। सर ये तो फिर डेप्थ सर्च में चले जाएगा ना ये तो फिर? नहीं ये हम सर्चिंग प्री ऑर्डर कह रहे हैं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर। अच्छा प्री ऑर्डर, ठीक। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि जब बाइनरी ट्री, देखो डेप्थ फर्स्ट सर्च की कॉस्ट ज्यादा है प्री ऑर्डर से, इसलिए बाइनरी ट्री के अंदर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर सर्चिंग की जाती है। बात समझ आई? हम डेप्थ फर्स्ट सर्च कर सकते हैं लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा है, कंप्यूटेशन कॉस्ट ज्यादा है, इसलिए हम बाइनरी सर्च बाइनरी ट्री के अंदर प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर करते हैं। लेकिन अगर ये बाइनरी ट्री नहीं होती, और जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि ये बेसिकली कोई इस तरह की ट्री होती या कोई ग्राफ होता, इस तरह का कोई ग्राफ होता कि आपके पास कोई ग्राफ है ये, ठीक है, तो फिर हम डेफिनेटली ब्रेथ फर्स्ट सर्च लगाते हैं। इसमें प्री ऑर्डर चल ही नहीं सकता, प्री ऑर्डर इसके लिए है ही नहीं। प्री ऑर्डर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए है ताकि टाइम को सेव किया जाए, समझ आ रही है? ठीक है, तो ये है बेसिकली। तो अभी तो हमारा ये मकसद है ही नहीं, अभी यहाँ पे हमारा काम ये है। ये बातें जब हम बाइनरी सर्च ट्री पढ़ रहे हैं ना उसमें उसमें काफी ज्यादा पूछी जाती है। बाइनरी सर्च का काम ही यही है, सर्चिंग कराना है कि आपने बाइनरी सर्च जो है मिसाल के तौर पर जैसे अभी पूछ रहे थे ना कि मैं चाहता हूँ, मतलब वो एक वो भी पूरी दो दो मतलब दो वीक का लेक्चर है बाइनरी सर्च ट्री को अगर कम्प्लीटली पढ़ाया जाए, मतलब कोई आसान काम नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री कौन सी होती है कि अगर कोई डेटा दिया हुआ है तो लेफ्ट पे उससे छोटा होगा और राइट पे उससे बड़ा होगा, ये बाइनरी सर्च ट्री कहलाती है, ताकि सर्चिंग करना हमें आसान हो। 10 का लेफ्ट पे से छोटा होगा यानी मिसाल के तौर पर 7 और राइट पे इस 10 से बड़ा होगा तो डेफिनेटली इससे छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है कि इससे बड़ा होगा तो मिसाल के तौर पर 15 हो जाए, सही है। पर ये जो अभी हमने इंडेक्स 3 पे 10 को डिलीट किया था तो इसके बाद दोबारा हीप ऑर्डर में इन सबको सेट करना पड़ेगा? जी जी करना पड़ेगा, ये पूरी नोड ही डिलीट हो जाएगी। जी जी बिल्कुल, और फिर हमें दोबारा से हीप जनरेट जैसे कि ये अभी इंडेक्स 3 पे 10 को हमने रिमूव किया, 10 डिलीट कर दिया ना, तो इसके फिर ये जो सब ब्रांचेस हैं ये भी डिलीट हो जाएंगी 9 और 3, फिर तो इसको मेरे ख्याल में ऑर्डर पे नहीं लाना पड़ेगा। मैं बोलूंगा देखो जब हम किसी अभी ये तो छोटी ट्री है ना, जब किसी नोड को डिलीट करते हैं हम कहते हैं डिलीट करना हम चाहते हैं इसको, मिसाल के तौर पर इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो डिलीट करने का अपना एक प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर ये है कि इसको हम ये कहीं पे भी है इसको हम बेसिकली पेरेंट बनाएंगे, मतलब पेरेंट नोड बनाएंगे सबसे मेन, वहां से उसको ब्लैंक करेंगे, ठीक है, और जो सबसे लोएस्ट चाइल्ड होगा उसको पेरेंट बना देंगे। ये करने के बाद फिर हम इस पे हीपिफाई चला देंगे ताकि वो हीप को मेंटेन कर ले। बात समझ आ रही? ये एक प्रोसीजर है। सर, ये समझ नहीं आया सर। मैं अभी थोड़ा सा इंतजार करो, ये काम हम करेंगे डिलीट का, डिलीशन किस तरह करनी है, क्योंकि हीप सॉर्ट के अंदर डिलीशन होनी है। कि मिसाल अगर मैं यहाँ से डिलीट करूँ ना तो ऐसा नहीं है कि डिलीट करके मैं इसको यहाँ प्लग कर दूँ, तो इसके लिए कोई ना कोई तरीकेकार इख्तियार करना पड़ेगा कि भाई अगर मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ 10 को तो अब ये दो नोड किसके चाइल्ड बनेंगे, ये समझना है ना, ये दो नोड किसके चाइल्ड बनेंगे। अब सोचो दोनों के दोनों 16 पे तो नहीं लग सकते, क्योंकि पहले से एक 4 लगा हुआ है, 2 लगेंगे तो 3 नोड हो जाएंगे इसके, तो ऐसा तो नहीं सकता कि ये दोनों नोड जाके 16 को लग जाए। तो अगर 10 को डिलीट करोगे तो एक कोई प्रोसीजर इख्तियार करोगे ना, तो मैंने कहा कि हम जिस नोड को डिलीट करना चाहते हैं उसको पेरेंट बनाएंगे आप, पेरेंट से स्वैप करेंगे उसको, अब सुनते रहना, ठीक है, ठीक हो गया। अब 10 यहाँ चला गया, ये डिलीट कर देंगे यहाँ से। अब जब डिलीट करेंगे तो यहाँ पे होल आ जाएगा, इस होल को लास्ट नोड से फिल कर देंगे। बात समझ आ गई? दो स्टेप हो गए। अब जब ये सारे काम हो जाएगा तो ये हीप की प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा, तो फिर हम इसके टॉप से हीप लगाना शुरू करेंगे और फिर हीपिफाई करना शुरू कर देंगे। समझ में? तो इस तरह से ये बेसिकली कुछ काफी टाइम कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है। इस वजह से और सुनना, इस वजह से हम हीप
स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्शन और डिलीशन को प्रिफर नहीं करते। अगर इंसर्शन और डिलीशन करनी है तो बाइनरी सर्च ट्री प्रिफर की जाती है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक। बाइनरी सर्च ट्री बहुत एक लंबा टॉपिक है जिसमें हम बाइनरी सर्च ट्री बनाते हैं, उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन सीखते हैं क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बनाते भी इसीलिए, और फिर उसके बाद AVL सीखते हैं। AVL तीन साइंटिस्ट हैं, एलवेस्ट और कुछ नाम है, कि अगर बाइनरी सर्च ट्री मेंटेन नहीं हो रही है तो उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो AVL के कुछ 6 स्टेप्स हैं वो सीखते हैं। तो ये काफी लंबा प्रोसीजर जो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा से ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ कि हाँ नमाज ब्रेक हम ले लेंगे, 7:20 हो रहे हैं ना, अजान हो गई? जी सर हो रही है। तो हम 7:20 पे ब्रेक लेते हैं। अच्छा मैं नटशेल करके मैं फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ, ट्रैक पे आते हैं। देखो हमारा बाइनरी, मैं 2 मिनट में बस ब्रेक दे रहा हूँ, हमारा बाइनरी जो हीप स्ट्रक्चर जो है, और सुनिएगा, कतई इंसर्शन और डिलीशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता। क्लियर हो गई बात? हर चीज, हर स्ट्रक्चर जो है, डेटा स्ट्रक्चर अपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। हम अगर जगह पे इंसर्शन डिलीशन चाहते हैं कि कसरत से हो तो हम हीप स्ट्रक्चर यूज नहीं करते। ठीक है, हीप स्ट्रक्चर प्रायोरिटी क्यू और हीप सॉर्ट के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर फिर भी आपको करना पड़ जाए कि आप चाहते हैं कोई इंसर्शन, तो इंसर्शन तो मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। जब भी इंसर्शन करनी हो लास्ट नोड पर लगा के हीपिफाई चला दें। लेकिन अगर डिलीशन करनी हो, ठीक है, क्यों, लास्ट नोड पे लगा के जब इसको चलाएंगे हीपिफाई तो ये अपने एप्रोप्रिएट जगह पे जाके बैठ जाएगा। लेकिन अगर डिलीशन करनी हो तो कोशिश की जाती है कि लास्ट नोड डिलीट करें। लेकिन अगर लास्ट नोड नहीं बल्कि बीच का कोई नोड अगर डिलीट करना हो तो फिर इसके तरीके मैंने आपको बता दिया है कि पहले आप इसको पेरेंट नोड से स्वैपिंग करते हैं और फिर लास्ट नोड को पेरेंट नोड बनाते हैं और उसके बाद हीपिफाई चलाते हैं। ये एक कॉस्टली प्रोसेस है। ठीक, तो इस वक्त हमारा ये मकसद नहीं है, इस वक्त हमारा हीप सॉर्ट मकसद है। तो हीप स्ट्रक्चर हमें समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो मैंने आपको हीप स्ट्रक्चर समझा दिया, इसके अंदर हीपिफाई करने का प्रोसीजर आना चाहिए जो कि मैंने आपको बता दिया कि मैक्स हीपिफाई कैसे होता है। अगर मिन हीपिफाई होता तो ये दोनों लेस का साइन हो जाते हैं। अगर मिन हीपिफाई बना रहे होते तो ये साइन और ये साइन लेस हो जाते। ठीक है, अब हमें देखना यह है कि हीप सॉर्ट को बनाने के लिए हमें अगला एल्गोरिथम कौन सा पढ़ना है। तो वो है बोल्ड मैक्स हीप। ये इस एल्गोरिथम की तरफ हम मूव करेंगे। तो इसको पढ़ने से पहले हम नमाज ब्रेक लेते हैं। तो इसमें वही चीज कवर होगी ना कि एक एरे दिया जाएगा, उसके बाद उसको फिर हीप पे कैसे ऑर्डर करना है और उसके बाद फिर बिल्ड कैसे करना है ट्री में, वो सारी चीजें इसी में। जी जी, वो इसके अंदर है। उसके बाद फिर हीप, जब ये मतलब आपको एक रैंडम एरे जो दिया जाएगा, जो इनिशियल रैंडम एरे दिया जाएगा, उसका आप मैक्स हीप कैसे बनाएंगे वो ये वाला एल्गोरिथम यूज करेगा। और ये एल्गोरिथम जो है वो मैक्स हीपिफाई का एल्गोरिथम यूज करेगा अपने अंदर। ठीक, तो ये हम 722 पे जा रहे हैं, 2525 पे। तो नमाज में 750 पे ज्वाइन करते हैं दोबारा। ठीक है सर, ठीक है, अगर कभी ब्रेक होता है 750 पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना, ओके।